योगी सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया है, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐतिहासिक बजट बताया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता अवधेश प्रताप ने बीजेपी द्वारा पेश किए गए बजट को दिशाहीन और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा है कि इस बजट में ना किसानों को और ना ही नौजवानों को कोई लाभ मिला है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। आइए सुनवाते हैं सपा विधायक अवधेश प्रताप ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार 2023 का बजट पेश हुआ है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अवधेश प्रसाद, जो कि 9 बार से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। सर, लगातार जो है हमने देखा कि बजट शुरू होने के पहले भी लगातार आप विरोध प्रदर्शन करते रहे, साइकिल से आप विधानसभा के बाहर नजर आए, आज बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे इस? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से माननीय खन्ना जी ने आज बजट पेश किया है। बजट केवल आंकड़ों का जाल है। बजट में कहीं भी किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हिंदुस्तान और प्रदेश किसानों का है, 80% किसान करते हैं, कहते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कहते हैं ये तो ऐतिहासिक बजट है। अब वो क्या कहते हैं, लेकिन ये इनका जवानी कोल कल्पित बजट है, धरती पर इनके बजट का कहीं कुछ नहीं है। जनता को, किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों के लिए कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के कई विधायक, खुद अखिलेश यादव एक अलग ड्रेस कोड में आज नजर आए, ऐसा क्यों है? एक अलग ड्रेस कोड में नजर आए, शेरवानी में नजर आए, आप भी शेरवानी में नजर आए? बजट के ये शेरवानी के बारे में तो आप साथियों ने कई सवाल पूछे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो शेरवानी तो एक अच्छा लक्षण होता है। एक ये था, उम्मीद थी कि आज बजट है, बजट में प्रदेश के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ मिलेगा, तो इसलिए ये बजट तो शुभ संकेत के लिए होता है। लेकिन तो साफ तौर पर ये थे हमारे साथ अवधेश प्रताप, जो कि समाजवादी पार्टी से 9 बार से विधायक रहे। उन्होंने कहा कि आज का जो बजट है वो काफ़ी निराशाजनक है। साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया और उसको लेकर तमाम जो है बातें कही कि ये ऐतिहासिक बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक, खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आज का जो बजट है वो निराशाजनक है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।